एक लड़ाई अभी अभी और जीते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और ये जीत आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दौरे की राष्ट्रपति भिलाई के दौरे पर और उसको अंदर करा देना है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, और पैसा लेकर वो सिर्फ एक बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए। क्या हम इनकी बुराई करेंगे? ऐसे लोगों का निश्चय जब भविष्यता बोलते हैं तो परमेश्वर सुनता है। यह बात याद रखना, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सुनता है। कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है? वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा छत्तीसगढ़ से, कह रहा है कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा, परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले, जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील, जो उनसा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जोन सा ये बोलता है, खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पर पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको, अरे शर्म कर, तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को। जल्दी कर, तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवाकर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला हमारी इजाजत के बगैर धरती पर कोई काम नहीं होगा, कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये क्रिश्चियन चैनल? अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता है ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तेरी फोटो तेरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा कल, और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकीलों के हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि लिखा है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया, और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं, और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में ऐसे ही भविष्यता खड़े करने हैं कि जो अड़े रहे और खड़े रहे आप जैसों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं कहीं और चला गया था अभी थोड़ी देर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, नॉर्मल सी बात है, जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहां पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है, और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माए। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो, जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है।
हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो चार लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या, क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं वो अच्छे ज्ञान लेके हमारे पास से चले जाते हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुरे में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान है, जो लोग चर्चे चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग करा जा रहा है और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाए क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है, हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए हम उस तक पहुंच पाए, तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है, हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उसे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहां जहां प्रार्थना सभा करते हैं वहां पर उसे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें, सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी, हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें, यह मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है, बाकी बुद्धि को सहारा लेके समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।